हाय गाइस, हरे कृष्णा। तो आज है जन्माष्टमी वाला दिन एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। मैं आज सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या मैंने सुबह से लेके रात तक किया है। तो आज का मेन पूजा, जन्माष्टमी तो रात 12 बजे ही होगा, फिर भी सुबह उठ के मैंने नॉर्मल अभिषेकम, भोगा, ऑफरिंग एंड सब कुछ कर लिया है और अभी मैं रेडी हूँ। तो मैं आप लोगों को इसके बाद शेयर करूंगी सुबह जैसे जैसे मैंने किया था सब कुछ वो क्लिप, तो आप वीडियो में बने। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर, वहाँ पे मम्मी ने कीर्तन रखवाया है अपने गोपाल जी के लिए, तो हम अपने कान्हा जी को वहाँ पे लेके जाएंगे मंदिर में। वहाँ पे कीर्तन होगा, भोगा होगा, भोगा ऑफरिंग होगा, दोपहर का सब कुछ वहीं पे होने वाला है। तो मैं सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे कैसे हमने आज जन्माष्टमी वाला दिन सेलिब्रेट किया है। तो गाइज, अभी मैं पंजीरी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई इसमें चढ़ा देना है गैस पे, और ये धनिया है। धनिया को अभी मैं सेग्रीगेट कर रही थी, कुछ यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको मैं रिमूव कर रही थी। और उसके बाद हम, जब ये कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम पंजीरी डाल देंगे और इसको ड्राई ही फ्राई करना है। उसके बाद जब ये हल्का फ्राई हो जाए, ध्यान रखना कि ये ब्लैक ना रहे, तो थोड़ी देर ऐसे ही इस धनिया को हम भून लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर। पंजीरी जब ठंडा हो जाए तो उसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे, और गोभी जो पाउडर बन जाए, चीनी का भी जब पाउडर बन जाए तो उसमें काजू और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे के मिक्स करके बस ये रेडी है। और ये जन्माष्टमी का मेन इंग्रेडिएंट है, आज के दिन इसका भोग लगता ही लगता है, तो आप जरूर इसे बनाएं। तो गाइज, ये पंजीरी हमारा रेडी है, इसमें धनिया एंड चीनी का पेस्ट और कुछ ड्राई फ्रूट्स और घी है, बस दैट्स इट। तो गाइज, ये है आज मेरे गोपाल जी का ड्रेस, ये है बेली फूल का माला, ये पायल, कंगन, इत्र, मुकुट, ये माला, और ये भी एक माला, और ये उनका ब्यूटीफुल सा हेयर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो गाइज, अभी मुझे मंदिर जाना है, वहाँ पे मम्मी ने कीर्तन रखवाया है, तो गोपाल जी को मैं अपने साथ वहाँ लेके जाऊंगी और वहाँ पे उनका कीर्तन होगा और भोगा ऑफरिंग सब कुछ होगा दोपहर में। तो स्टे अभी रात के 11:45 हो रहे हैं और 12 बजे से
हैप्पी बर्थडे कान्हा जी का स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारा प्रिपरेशन दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने सब कुछ अरेंज किया है. सो लेट्स रोल. ओके, सो स्टार्टिंग विद द डेकोरेशन. ये है हमारा डेकोरेशन, सिंपल ही रखा है मैंने. और यहाँ पे मेरे कान्हा जी का झूला तैयार है बिल्कुल. और ये मेरे कान्हा जी अभी नॉर्मल अपने नाइट सूट में है. और ये राधा माधव इस्कॉन मायापुर वाले, और ये भी मेरे कान्हा जी. भोग की थाली है ये, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स आपको दिख रहे होंगे. और ये फ्लावर्स, बस ये है पंजीरी. सो अब कुछ ही देर में हम सारा बर्थडे प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं. एक चीज़ अभी और आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं आपको कुछ देर बाद दिखाने वाली हूँ. सो आप वीडियो में बने रहिए. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये है सात समुंदर का जल, जिसमें सारे समुद्र के नाम भी लिखे हुए हैं. ये बंगाली में है, मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है. सो ये सात समुद्र का जल इसको कहा जाता है, और ये अभिषेक में यूज़ होता है. राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी वो है ये केक जो मैंने खुद बनाया है स्पेशली फॉर जन्माष्टमी. आज मेरे कान्हा जी का 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है. Thank you.